और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम फाइल मेन्यू का पार्ट टू करेंगे और पार्ट टू में हम अपने एनपेज के डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कलेक्ट फॉर आउटपुट और प्रिंट के ऊपर काम करेंगे। इसके लिए मैं एनपेज को ओपन करता हूं। ओके, और यहां पे अपने फाइल में जाके आप न्यू पे क्लिक करें और ओके। सबसे पहले आपके पास यहां पे कलेक्ट फॉर आउटपुट जो कि प्रीवियस लेसन मैंने छोड़ दिया था, आज सबसे पहले प्लेस। प्लेस का फंक्शन क्या होता है कि आप किसी भी प्लेस में जो पिक्चर है आप वहां से उठा सकते हैं, लेकिन प्लेस का अभी हाईलाइट नहीं किया हुआ। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करने के बाद आपने एक्सपोर्ट करना और प्लेस का फंक्शन तब एक्टिव होगा। तो आपने सबसे पहले इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब इंपोर्ट में आप पास काफी सारे फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, इनपेज स्टोरी फाइल्स है, मैक टेक्स्ट फाइल्स है और इसलिए काफी सारी यहाँ पे फाइल देख सकते हैं, बहुत ज्यादा फाइल है। ऑल फाइल पे क्लिक करके तो आप फॉर एग्जांपल यहां से मैं डेस्कटॉप में डेस्कटॉप से कोई पिक्चर इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, एनपेज में मैंने यहां से आप कोई भी पिक्चर अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो आप ऑल फाइल में क्लिक करें यहां से और यहां पे आप पास पिक्चर्स है, पिक्चर पे जो ही क्लिक करता हूं तो मेरे पास पिक्चर इंपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन ये इंपोर्ट क्यों नहीं हुई। आपके जब भी आप इनपेज पे काम करते हो तो इनपेज में डायरेक्ट किसी भी पेज पे आपकी जो भी पिक्चर है वो इंपोर्ट नहीं होती। पिक्चर को इंपोर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले अपने यहां से टूल लेना है, इस टूल पर मैं क्लिक करता हूं क्योंकि पिक्चर्स वगैरह के लिए यूज होता है। इसको यहां से मैं इतने एरिया में पिक्चर इंपोर्ट करना चाह रहा हूं, इसके बीच में डबल क्लिक करो तब भी आप पिक्चर को इंपोर्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं क्या है इंपोर्ट पिक्चर, डबल क्लिक करता हूं इसके बीच में इंपोर्ट पिक्चर का ऑप्शन दे रहे हैं। इसके अलावा आप यहां पे फाइल में जाके आप इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक करें, अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करें और इंपोर्ट कर लें तो देखिए आपके पास पिक्चर जो है इंपोर्ट हो चुकी है। अब यहां पे देख सकते हैं इस पिक्चर को मूव करना है, मूव कर सकते हैं जहां पे भी, पिक्चर इंपोर्ट हो चुकी है। अब इसी पिक्चर को अगर आपने एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं दो तीन पिक्चर्स और इंपोर्ट करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। इसके बीच में डबल क्लिक करता हूं और यहां से एक और पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूं। ओके, इसी तरह मैं यहां पे सेटल लेता हूं, इसके बीच में डबल क्लिक करके यहां से एक और पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूं। ओके, अब ये मेरे पास पिक्चर इंपोर्ट हो चुकी है। अब देखिएगा कि मैं जब इसको फाइल में जाके इसे कलेक्ट फॉर आउट करता हूँ, कलेक्ट फॉर आउटपुट पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास एनपेज का जो यहाँ पे देखे तो एनपेज का जो मैंने फोल्डर बनाया था इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कोई भी फाइल नहीं है, फाइल ही कोई नहीं है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे नाम देता हूँ उसको वन, ओनली वन का नाम देके इसको जस्ट इसमें सेव करूंगा तो ये सेव हो चुकी है। और यहाँ पे अगर आप जाएं जाके डेस्कटॉप पे आपके पास जो फोल्डर है फॉर एग्जाम्पल एनपेज फाइल का फोल्डर है जो ही क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास एक वन एनपेज की फाइल भी सेव हो चुकी है और इसके साथ अगर आप देखें ये आपके पास वन एनपेज की फाइल भी है, यहां पे देखें ये वाली फाइल भी आ गई आपके पास और यहां पे वन टू एंड थ्री ये फाइल है जो आपके पास अलग अलग यहां पे कट के भी आ गई। तो देखें अगर आपके पास काफी सारे अपने एनपेज में काम किया हुआ है और उसमें आपने बहुत ज्यादा पिक्चर इंपोर्ट की हुई है तो आप जब कलेक्ट फॉर आउटपुट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि आपकी फाइल जो है तो आपकी अगर फाइल में जो भी पिक्चर है वो अलग से आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये फंक्शन होता है जी कलेक्ट फॉर आउटपुट का। अब कलेक्ट फॉर आउटपुट यहाँ पे आ गया। अब इसी की तरह आपका इंपोर्ट पिक्चर का फंक्शन था, ये इंपोर्ट को भी फाइल करना चाहिए तो इंपोर्ट कर सकते हैं उसका फंक्शन था। उसके बाद एक्सपोर्ट पेज, एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करें और एक्सपोर्ट जो पेज करेगा वो गिफ फाइल में करेगा जो कि पिक्चर फॉर्मेट होता है। अब इसमें ये कह रहा है कि सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कोई जो ऑब्जेक्ट्स लग के इसी को एक्सपोर्ट करें, ऑल पेजेस अगर आपके पास काफी सारे पेजेस हैं, फिलहाल हमारे पास वन पेज है, पेज कैसे इंपोर्ट होते हैं ज्यादा पेज मैंने आपको बताया था लेसन नंबर टू में। और यहाँ पे आपके पास पेजेस
वन अगर आप फाइव पेजेस आप चाहते हैं कि आपके पास अगर फाइव पेजेस आप चाहते हैं कि पेज नंबर थ्री से लेकर पेज नंबर फाइव तक मीन थ्री फोर फाइव थ्री से लेकर फाइव तक जो पेजेस हैं वो पेजेस क्या करें इनको एक्सपोर्ट करें तो मैं ऑल पेजेस पे क्लिक करता हूँ बेसिकली मेरे पास पेज ही एक है ऑल पेजेस पे क्लिक करता हूँ इसको रिमूव कर लें और ब्राउज पे क्लिक करें ब्राउज पे आपने क्या जैसे कि एन पेज फाइल और यहाँ पे नाम दे देते हैं मैं नाम देता हूँ एन पेज और इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ यहाँ पे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है और ऑल पेजेस है जो हमने नाम दिया था ये जो हमने पेजेस दिए थे इस वैसे ही नहीं कर रहा दोबारा से जाता हूँ फाइल एक्सपोर्ट पेज पेजेस आ गया और यहाँ पे गिव फाइल का नेम आ गया यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करें और यहाँ पे भी नाम दे दे इमेज का नाम तो सेव पे क्लिक करके ओके करते हैं यहाँ पे तो ये देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया सेव हो गया और यहाँ से आप अपने फोल्डर में जाके देखें एन पेज में देखें तो एन इमेज के नाम से आप बस ये आ गया और क्लिक करें तो बस गिफ्ट फाइल में ये देखें सेव हो चुका है देख सकते हैं तो ये था जी आपका जो है तो एक्सपोर्ट का फंक्शन अब यहां पर अगर आप देखें तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पेज के बाद प्रिंट प्रिंट पे क्लिक करें और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास देखें नेम कह रहे हैं प्रिंटर का नेम बता रहे हैं यहाँ पे आपको फिलहाल हमने कोई भी हमारे पास प्रिंटर नहीं है प्रॉपर्टी में जाके आप देख सकते हैं आपके पास कौन सा प्रिंटर है नहीं है और प्रॉपर्टी में आपके पास एक तो लेआउट आ जाता है लेआउट में आपके पास टेक्स्ट जो होगा वो कैसा आएगा और एडवांस पे जाएं जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज आपके पास पेपर साइज आप यहाँ दे सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंटर का नाम क्या है डॉक्यूमेंट सेटिंग में जाके हमारे पास कोई भी प्रिंटर अभी तक नहीं है पेपर साइज लेटर है और करंट आप बस सिर्फ एक कॉपी है मीन एक ही आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे देखें कॉपी आप बस देखें कॉपी काउंट वन है आप इसी पेजेस की फाइव कॉपीज ऐड करना चाह रहे तो आप ऐड कर सकते हैं उसका क्या फंक्शन है बताता हूँ आपको ओरिएंटेशन में पेज आपके पास आप इस पेज का जो प्रिंट निकालना चाह रहे हैं वो आप पोर्ट्रेट पे निकालना चाह रहे हैं लैंडस्केप में तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें लैंडस्केप पे निकालना चाह रहा हूँ ओके कर लें यहाँ से लैंडस्केप पे निकलेगा अब नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे आपके पास अब बस एक तो नेम आ गया प्रिंटर का और इसके बाद प्रिंट अप फाइल पे क्लिक करें आपने इस फाइल को प्रिंट करने निकालना है पेज रेंज है पेज रेंज में आल आपके पास अगर जितने भी पेजेस सारे निकले या पेजेस वही तरीकाकार है कि हमारे पास फिलहाल वन ही पेज है अगर आपको फाइव पेज है तो आप चाहते हैं टू से लेकर फाइव तक प्रिंट निकले तो आप टू और फाइव करेंगे टू टू फाइव करेंगे तो टू थ्री फोर एंड फाइव टू थ्री फोर एंड फाइव टू पेज नंबर टू पेज नंबर थ्री वन रह जाएगा अगर आप थ्री टू फाइव करेंगे थ्री फोर फाइव ये पेज तीन आपके पास प्रिंट निकलेंगे इसी तरह आपके पास जो है तो प्रिंट सीक्वेंस है सारे के सारे पेज निकालना चाह रहे हैं इवन और ऑड अगर आपके पास बीस पेज है अगर आप उनको इवन निकालना चाह रहे हैं आप इवन में निकाल सकते हैं और अगर ऑड में निकालना चाह रहे हैं ऑड में निकाल सकते हैं मीन एक पेज को छोड़ के दूसरा पेज इवन पे करते हैं तो वन के बाद थ्री फाइव इस तरह निकलेंगे और इसके अलावा टू फोर सिक्स एट इस तरह ये निकलेंगे तो पेज नंबर एक एक पेज को छोड़ के नेक्स्ट पेज निकलता जाएगा जैसे वन निकला तो टू नहीं निकलेगा फिर थ्री फोर नहीं निकलेगा फाइव निकलेगा सिक्स नहीं निकलेगा सेवन निकलेगा इस तरह के पेज आप यहां से निकाल सकते हैं आप आल पे क्लिक करें सारे के सारे पेजेस आपके पास निकलना शुरू हो जाएंगे इसके बाद आप बस प्रिंट स्टाइल नॉर्मल होना चाहिए ऑटो आपके पास टाइल्ड होना चाहिए या फिर मैनुअल आपने टाइल रखना कर सकते हैं इसमें क्या है कि आपने ऑटो टाइल पे क्लिक करके आप जो है तो अपने पिक्चर्स वगैरह इन चीजों को क्रॉप कर सकते हैं नॉर्मल पे क्लिक करते हैं जैसी सेटिंग होगी वैसा का वैसा प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद आपके पास कॉपीज है नंबर ऑफ कॉपीज वन है आप इसी पेज की फाइव कॉपीज निकालना चाह रहे हैं पेज वन ही है इसी पेज की फाइव कॉपीज निकालना चाह रहे हैं आप यहाँ से फाइव सेलेक्ट कर लें सेवन सेलेक्ट कर लें और आपके ये सेवन कॉपीज यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद आप प्रॉपर्टीज पे जाएं अब आप यहाँ पे लैंडस्केप आपने चूज किया हुआ है एडवांस में जाए और एडवांस में देखें तो आपके पास काउंट आपके पास एक ही है यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एक ही कॉपी जो कि आपका पेजेस जो है वो आपके पास एक ही काउंट हो रहा है करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो आपका प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा जो कि अभी हमारे पास प्रिंट नहीं है खैर इसको सेव भी कर लें सेव भी कर लेते हैं देखिए प्रिंटिंग पेज इसने ओपन कर लिया लेकिन
हमारे पास चूंकि प्रिंट नहीं है इसलिए प्रिंट नहीं हुआ पेज, तो आप यहां से इसको क्लिक करके आप यहां से ऐसे प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास प्रिंट के बाद एग्जिट, आपने इसको एग्जिट करना है आपने आप इन पेज को, तो आप यहां से फाइल में जाके कंप्लीट इन पेज को आप एग्जिट कर लें, और यहां से आपको कह रहा है आपने सेव करना है डॉक्यूमेंट्स वन जो है इसको सेव नहीं है तो उसको सेव करना है, तो आप यस करके सेव कर सकते हैं, अगर सेव नहीं करना तो नो पे क्लिक करें तो आपका ये क्लोज हो जाएगा। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं आप, इसके अलावा इन पेज में पिक्चर को इम्पोर्ट कैसे कर सकते हैं, क्लिक फॉर आउटपुट और एक्सपोर्ट का फंक्शन हमने देखा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।